अच्छा जी, हुआ ये था कि रात को मैंने मस्कारा लगाया हुआ था और जल्दी में ना मुझे कोई ऑयल नहीं मिल रहा था। वैसे तो मैं 24K गोल्ड सीरम और कोकोनट ऑयल या आलमंड ऑयल से ना मस्कारा रिमूव कर लेती हूँ। ये सामने पड़ा हुआ था, अभी मुझे पता भी है कि इसको डायरेक्ट अप्लाई नहीं करते, इसको किसी चीज़ के साथ मिक्स करते हैं क्योंकि एसेंशियल ऑयल है, कभी भी डायरेक्ट नहीं लगाते। और आधा ड्रॉप ना मैंने सिर्फ आधा ड्रॉप सिर्फ अभी लैशेस पे लगाया है और अपनी आंखें बंद की हैं। आप लोग यकीन नहीं करेंगे मेरे आंखों की जो हालत थी। मैं बस यही कह रही थी फातिमा को, फातिमा मेरी आंखें जल गई हैं, अब मेरी आंखें नहीं बचनी, मेरी आंखें जल गई हैं, मेरी आंखें नहीं बचनी। 15 मिनट जिस तकलीफ़ में मैंने गुजारे हैं ना, 15 मिनट के बाद थोड़ा सा सुकून आना शुरू हुआ है और इस तरह मेरी आंखें सूजी हुई हैं जैसे ना किसी चीज़ ने काटा हुआ है। मैंने कहा मैं आपको बता दूं जो मैंने बेवकूफ़ी की है, गलती से भी कोई एसेंशियल ऑयल, कोई एसेंशियल ऑयल कभी भी आई लैशेस पर नहीं लगाना। हल्का सा भी अंदर चला जाएगा तो कोई भी एसेंशियल ऑयल लगा लिया तो नानी याद आ जाएगी, नानी जहाँ भी हुई बस याद आ जाएगी। और ये मैं रोज़मेरी ऑयल तो स्ट्रेच मार्क्स के लिए यूज़ करती हूँ, इसकी मैं आप लोग को वीडियो में बताऊँगी कि मैं किस तरह यूज़ करती हूँ, लेकिन एसेंशियल ऑयल कभी भी नहीं लगाना। बस जी ये हुआ मेरी आंखों के साथ, अब बेहतर है, बहुत ज़्यादा जल रही हैं अभी भी हल्की हल्की, लेकिन जो उस टाइम कंडीशन थी ना, दस फातिमा पागल होने वाली थी, मैं तो पागल हूँ। पूरे घर में आंखें बंद करके टकरे मारती फिर रही थी, मेरी आंखें गई, मेरी आंखें जल गई, मेरी आंखें जल गई। नेमान वीडियो बना लूं? नो, मैंने खराब कर दिया। अभी मैं कर दूं। सही कर दो फिर।